स्वागत है आपका टेन न्यूज में। देखिए आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर जा रही है। सर आपका नाम क्या है, कौन से संगठन से आप? मैं सत्यवीर मुखिया एनसीआर प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन के लिए सभी आए हैं किसान नेता, क्या लग रहा है, क्या समस्या है, क्या मांगे हैं? आज हमारे देश के जितने भी संगठन किसान संगठन हैं आज सब एक हैं और सभी टोटल किसान आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर उपस्थित हैं। और जब तक नहीं उठेंगे, मांगे क्या है सर? मांगे ये हैं, एक तो 10% है, 64% है और 76 में समय नोएडा प्राधिकरण ने शुरुआत की, यहाँ तब से किसान पीड़ित है, तभी से किसान पीड़ित है और आज तक उनका कोई निर्णय नहीं लिया गया, हमारे कुछ नहीं मिला उन्हें आज तक। तो जब तक हमारा किसान 6% राष्ट्रीय अध्यक्ष 10% यानी खरीपा जी को और 64% करके नहीं मिल जाएगा, तब तक यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। सुखबीर खलीपा जी, सर क्या नाम है आपका, कौन से संगठन से आप? मैं योगेंद्र सिंह नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से। एक छत के नीचे सभी किसान आए हैं, क्या लगता है क्या समाधान होने वाला है? हम लोग संयुक्त मोर्चा के रूप में एक मंच के नीचे अथॉरिटी और सरकार को चुनौती देकर यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि हमारा 64%, हमारा 10%, हमारा जो भी अधिग्रहण बायलॉज के अंदर आता है वो सब हमें दिया जाए और नहीं तो हम यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना अगर नहीं सुनेंगे तो ईंट से ईंट बजाएंगे अथॉरिटी की। किसी भी कीमत पर संयुक्त मोर्चा यहाँ से उठने वाला नहीं है। ये अथॉरिटी के लोग, सरकार के लोग, केंद्र सरकार के लोग सब कान खोल कर सुन ले कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर क्या नाम है आपका, कौन से मोर्चे से आप? मैं कह सकता हूँ, मैं लोकेश शर्मा फौजी, हम बिल्कुल सत्य की राह पर चलेंगे। जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। अहंकार, हमारी मुख्य मांगे वही हैं, 10% भूखंड, 64% अतिरिक्त मुआवजा और मंच को 2013 में जो सभी बनाई गई थी कमेटी आदरणीय वो लागू की जाए। जब तक ये हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा एकत्रित हुए हैं यहाँ रहेंगे और प्राधिकरण की बजाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी। दिशा बदलने के लिए क्या नाम है आपका, कौन से मोर्चे से आप? एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं, हमारी सबकी पीड़ा एक जैसी है। ग्रेट नोएडा से सर, देखिए सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक अधिकारियों ने कोई संज्ञान में नहीं लिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? लेकर लग क्या रहा है, संज्ञान में लेंगे, संज्ञान की बात चल रही है। अभी जो है हमारी जो समिति कमेटी बन रही है, कमेटी अभी जो निर्णय लेगी, हमारे राष्ट्र टीम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी आए हुए हैं, वो जो निर्णय देंगे किसानों को वही निर्णय के बाद हम इसमें बढ़ेंगे अंदर और अपनी मांग जो 64% है और जो 10% है उसे पूरा करा के उठेंगे। ये हमारा जो है नहीं नारा है और किसान जो है ना, जिसको भी किसान ने ललकारा है वो काम पूरा करके हटा, ये पूरे भारतवर्ष को पता है। उसमें जो पॉजिटिव किसान जो है जिस समय जाग जाएगा ना उसको, अब किसान जाग चुका है। पहले हमारी जो भारतीय किसान यूनियन की जो नई नई वो कमेटी बनी हुई थी, लेकिन अब सब एक है। आज हमारा यहाँ पूरे राष्ट्र का जो किसान है वो जाग चुका है और इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर कल तक यहाँ इतने हो जाएंगे या तो ये मानेंगे, अगर नहीं माने हैं तो कल तक यहाँ भैंस और बुग्गी ट्रैक्टर ट्रोलिंग से पूरा मामला बन जाएगा। भैंस बनेंगी और हुक्का लेके यहाँ बैठेंगे। आपसे वादा करता हूँ, बहुत बड़ा कह दिया है, किसान बहुत बड़ा संघर्ष करेगा, यहाँ इन्हें मना के हटेंगे। जो भी जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, हमारा नारा है, हमारा बिल्कुल दिल से और हमारा संकल्प है। जब तक ये लोग मानेंगे नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। साहब के नेतृत्व में ये संयुक्त मोर्चा का गठबंधन यहाँ बैठा है और बैठा रहेगा। ये अथॉरिटी सरकार और केंद्र सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। अधिग्रहण बायलॉज के अंदर जो वो लोग लिखते हैं वो हमें उन्हें देना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन भानु, संयुक्त
मोर्चा किसान यूनियन और सभी 28 तक यहाँ देखिए हमने यहाँ काफी किसानों से बात की है। देखिए उनका कहना है जब तक ये बात नहीं मानी इन्होंने नहीं होगी किसानों की। आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने मैदान में स्थित यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है अगर कुछ अधिकारियों की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो वो घेराबंदी भी करेंगे प्राधिकरण के। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ किसान पर चमापड़ा उभरा हुआ है और जो किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर उपस्थित है किसानों के हक की बात करने में। अब देखना बाकी है कि अधिकारी किस तरह से इनके धरना प्रदर्शन में क्या रिएक्ट करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।